नमस्कार, मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। गुरुवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में किया गया। इस दौरान बोर्ड अध्यक्ष और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं के समापन और अन्य संबंधित जानकारियां मीडिया से साझा की गई। वहीं इस बार पहले की तुलना में कम UMC केस दर्ज होने की बात भी कही गई। वीरवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समापन एवं दर्ज किए गए अनुचित साधन केस से संबंधित जानकारी हेतु बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह एवं सचिव श्री कृष्ण कुमार द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सभी अध्यापकों को 40 कॉपी चेक करने के लिए दी गई है तथा UMC बनाए गए विद्यार्थियों के लिए आज 25 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करवाई गई है, जिसमें 5500 छात्र छात्राओं ने यह परीक्षा दी। वहीं उनका कहना था कि अन्य वर्षों की तुलना में इस बार बहुत कम UMC के केस दर्ज किए गए हैं तथा परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचायत तथा प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। 500 जिले हैं जिनमें विशेष मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता रहती है और विशेष योजना के तहत कार्य करना पड़ता है, तो इस प्रकार के 500 जिले हैं जिनमें हमें बार बार दिक्कत आती है। और DGP साहब का भी कहना था, वहाँ के IG से SP से मेरा सबसे संपर्क करवाया कि भाई इसी बेल्ट में उनको दिक्कत आ रही है तो बोर्ड की मदद की जाए, तो सब पुलिस अधिकारियों ने हमारी मदद भी की है। बोर्ड प्रयास करेगा जहाँ 100 से ज़्यादा नकल के मामले इस बार आए हैं, आगे इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए। हाँ, हम सब मिल करके विशेषकर मीडिया का भी पूरा इसमें मतलब सहयोग रहा है कि भाई कहाँ की कैसी खबर देनी है और किस प्रकार देनी है, ताकि एक जो नकल माफिया है उसको भय प्रतीत हो और जो सज्जन आदमी है वो निर्भरता से अपना परीक्षा दे सके। ये भी मीडिया का भी हमें इस मामले में पूरा सहयोग मिला है। 6 साल से बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। पिछले वर्ष कोरोना के कारण परीक्षा नहीं होती, लेकिन 5 बार की जो परीक्षा हुई है, इस बार की परीक्षाएँ उन 5 बार के कंपेरिजन में बहुत अच्छे सुचारू रूप से सम्पन्न हुई है और ठीक से सम्पन्न हुई है। और जो भीड़ का जो अमला था वो तीसरी मंजिल तक लोग चढ़ा करते वो भी देखे हैं मैंने। इस बार ऐसा माहौल तो नहीं था, लेकिन हाँ, परीक्षा केंद्रों के बाहर बहुत सी जगह धारा 144 की ठीक से शुचिता का पालन नहीं करवा पाए थे। पिछले वर्षों के मुकाबले में 66% केस बने इस बार। और शहरों में बहुत कम बने हैं, गांवों के जो परीक्षा केंद्र थे वहाँ के UMC केस ज़्यादा बने हैं। सब डिवीजन में भी कम बने हैं और जो परीक्षा केंद्र टूटे थे गांव की पंचायतों ने आकर निवेदन किया और उनके निवेदन पर डे टू डे बेस पर हमने उनके परीक्षा केंद्र दोबारा से बनाए और वहां की बाद में रिपोर्ट मिली कि पंचायतों ने का पूरा सहयोग रहा, उन्होंने गलियों में भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी। तो वास्तव में तो ये पंचायत का ही सहयोग रहता है और पंचायत ठीक से अपने अपने गाँव का माहौल और अपने गाँव की इज्जत का ख्याल रख ले तो नकल होगी ही नहीं। 500 जिले हैं जिनमें विशेष मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता रहती है और विशेष योजना के तहत कार्य करना पड़ता है, तो इस प्रकार के 5-7 जिले हैं जिनमें हमें बार बार दिक्कत आती है। और DGP साहब का भी कहना था, वहाँ के IG से SP से मेरा सबसे संपर्क करवाया कि भाई इसी बेल्ट में उनको दिक्कत आ रही है तो बोर्ड की मदद की जाए, तो सब पुलिस अधिकारियों ने हमारी मदद भी की है। बोर्ड प्रयास करेगा जहाँ 100 से ज़्यादा नकल के मामले इस बार आए हैं, आगे इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए। हाँ, हम सब मिल करके विशेषकर मीडिया कभी पूरा इसमें मतलब सहयोग रहा है कि भी कहाँ की कैसी खबर देनी है और किस प्रकार देनी है, ताकि एक जो नकल माफिया है उसको भय प्रतीत हो और जो सज्जन आदमी है वो निर्भरता से अपना परीक्षा दे सके। ये भी मीडिया का भी हमें इस मामले में पूरा सहयोग मिला है। 6 साल से बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। पिछले वर्ष कोरोना के कारण परीक्षा नहीं होती, लेकिन 5 बार की जो परीक्षाएँ हुई हैं, इस बार की परीक्षाएँ उन 5 बार के कंपेरिजन में बहुत अच्छे सुचारू रूप से संपन्न हुई है और ठीक से संपन्न हुई है। और जो भीड़ का जो अमला था वो तीसरी मंजिल तक लोग चढ़ा करते वो भी देखे हैं मैंने। इस बार ऐसा माहौल तो नहीं था, लेकिन हाँ, परीक्षा केंद्रों के बाहर बहुत सी जगह धारा 144 की ठीक से शुचिता का पालन नहीं करवा पाए थे। पिछले वर्षों के मुकाबले में 66% केस बने इस बार। और शहरों में बहुत कम बने हैं, गांवों के जो परीक्षा केंद्र थे वहाँ के UMC केस ज़्यादा बने हैं। सब डिवीज़न में भी कम बने हैं और जो परीक्षा केंद्र टूटे थे गांव की पंचायतों ने आकर निवेदन किया और उनके निवेदन पर डे टू डे बेस पर हमने उनके परीक्षा केंद्र दोबारा से बनाए और वहाँ की बाद में रिपोर्ट मिली कि पंचायतों ने का पूरा सहयोग रहा,
उन्होंने गलियों में भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी। तो वास्तव में तो ये पंचायत का सहयोग रहता है, पंचायत ठीक से अपने अपने गाँव का माहौल और अपने गाँव की इज्जत का ख्याल रख ले तो नकल होगी ही नहीं। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मार्किंग भी प्रारंभ हो गई है। मैंने स्वयं भी आज दो परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। जो मार्किंग सेंटर हैं गवर्नमेंट बॉयज़ और गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 28 तारीख से लेकर के आज से प्रारंभ होकर के 18 कार्य दिवस 20 मई तक ये चलेगी और सब अध्यापकों को 40 कॉपी करने के लिए कहा गया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कतें जो आई सबकी फ़ोन पर सॉल्व कर दी गई और मार्किंग आज प्रारंभ हो गई है। और ये जो मार्किंग है प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कल से हम उन सबकी मॉनिटरिंग बोर्ड में इसी कक्ष में बैठकर के करेंगे जिस प्रकार से एस्टेट की परीक्षा में की जाती है। डिजिटल मोड से पेमेंट करने वालों को इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं 90% से अधिक डिजिटल होने पर 2,00,000 रुपए गाँव को इंसेंटिव दिया जाएगा। ये बात कहते हुए आज बिजली विभाग के एसी रणबीर सिंह ने निगम द्वारा चलाई जा रही डिजिटल मोड पेमेंट पॉलिसी की जानकारी दी। वीरवार को बिजली विभाग के एसी रणबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम द्वारा डिजिटल मोड पेमेंट पॉलिसी चलाई जा रही है जिसमें 4 या 5 बार डिजिटल मोड से पेमेंट करने वालों को 2,000 रुपए का इंसेंटिव रखा गया है। इसके साथ ही उनके द्वारा गांवों में 4-5 लोगों के नाम से भी ड्रॉ निकाला जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि यदि 90% से अधिक गांव डिजिटल होंगे तो उन्हें 2,00,000 रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने निगम की अन्य पॉलिसी ट्यूबवेल कनेक्शन को जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि गर्मी में ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त करवाने का कार्य भी निगम द्वारा जारी है। दिक्कत पावर कट्स की है। एपी के अंदर पावर कट्स ज़्यादा लग रहे हैं। रात को अर्बन के अंदर भी 6 से 7 घंटे पावर कट लग गया है। इंडस्ट्री रात को 7 से 8 घंटे पावर कट लग गया है। एपी के ऊपर जो हम 8 घंटे बिजली दे रहे हैं उसमें 4 से 5 घंटे पावर कट लग गया है। पावर कट भी इसलिए लग रहे हैं कि पावर की शॉर्टेज है। अगर पावर कट ना लगे तो बिजली सुचारू रूप से चलती रहे। तो अभी गांव वालों को ये आश्वासन दिया है कि कोशिश करेंगे हम आपकी बिजली 8 घंटे चलाने की। खबर लिखे जाने तक मिली सूचना के अनुसार जिले में कोरोना महामारी से संक्रमित 3 केस हो चुके हैं। इसी के चलते सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने जिले वासियों से एक बार फिर सावधानियां बरतने की अपील की है। वहीं साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन के प्रति भी लोगों को गंभीरता बरतने की बात कही है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के नागरिकों से कोरोना महामारी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। जिले में कोरोना संक्रमण के 3 केस हो चुके हैं। 2 केस शहरी क्षेत्र से तथा 1 केस ग्रामीण क्षेत्र से है, जिसके बाद जिले भर के स्वास्थ्य संस्थानों में 400 नागरिकों के कोरोना की जाँच के लिए सैंपल लिए गए हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर का कहर नागरिक देख चुके हैं, जिसकी वजह से नागरिकों को कितनी परेशानी खेलनी पड़ी थी। वह जानमाल दोनों का नुकसान लोगों को उठाना पड़ा था। इसी के चलते नागरिकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीन नहीं लगवाई है वे वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके अलावा मास्क का प्रयोग करें तथा हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर एक दूसरे के बीच उचित दूरी बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि यदि नागरिकों को कोरोना संक्रमण के लक्षण नजर आए तो वे अपना टेस्ट भी जरूर करवाएं। भिवानी में अभी हमारे दिन प्रतिदिन केस बढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि 3 दिन पहले हमारे पास सिर्फ एक्टिव केस एक ही था, कल हमारे पास 3 हो गए, आज हमारे 4 हो गए। तो ये जो ग्राफ है दिन प्रतिदिन बढ़ता आ रहा है। तो कोरोना को बढ़ने के कारण मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना को हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें और हम अपना वैक्सीनेशन का कार्य पूरा करवा लें। कोविड वैक्सीनेशन का पूरा कार्य होने से हमारे ये फ़ायदा रहता है कि जो हमारी अंदरूनी ताकत होती है कोविड से लड़ने की वो उपलब्ध रहती है। ये ऐसा ही है जैसे अगर मान लो कोई आतंकवादी घर में घुस गया तो हम उसको पहले ऑलरेडी फौज है तो उसको मारने में सक्षम होगी। तो ये जो हम कोविड वैक्सीनेशन के कारण जो हमारे एंटीबॉडी होती हैं वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अगर गलती से हमारा इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कोविड वायरस को वो एंटीबॉडी ख़त्म कर देती है और हमारे या तो इन्फेक्शन होता नहीं होता है तो माइल्ड रहता है।
तो अंदरूनी ताकत के लिए, इम्यूनिटी के लिए कोविड वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और ये फोर्थ लहर को जब भी हम कंटेन कर सकते हैं, जब हमारे बच्चे और जो बूढ़े हैं और जो जितने भी बेनिफिशरी हैं वो अपना कोविड वैक्सीनेशन पर ध्यान दें। एक तरफ गर्मी का प्रकोप, दूसरी तरफ नई फसल उगाने का समय, ऐसे में एक एक सप्ताह तक बिजली ना मिलना, कुछ यही हाल है गांव दिनोद वासियों का। बिजली की आपूर्ति न होने से नाराज आज गांव वासी बिजली विभाग पहुंचे और रोष प्रकट करते हुए खेतों में बिजली आपूर्ति की मांग की। वीरवार को दिनोद व दिनोद गांव के नजदीक गांव के ग्रामीण बिजली विभाग के ऑफिस पहुंचे। वहीं इस अवसर पर जब ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे यहां एक हफ्ते से लाइट नहीं आ रही है। उससे पहले लाइट आती थी जाती थी, लेकिन एक सप्ताह से बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। उनका कहना था कि हमारी फसल उगाने का टाइम आ गया है और हमें कम से कम 8 घंटे अवश्य लाइट चाहिए, जिससे कि हमारे खेतों में पानी जाए और नई फसल के लिए बीज लगाए जाए। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एसी के ऑफिस में रोष प्रकट किया, साथ ही कहा कि अगर हमें लाइट नहीं मिलेगी तो आप लोगों के ऑफिस की लाइट भी बंद करवा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों को 8 घंटे से कम लाइट नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारे खेतों में पानी नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे रात को नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि मच्छर होने की वजह से रात को सोने में परेशानी हो रही है और लाइट हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। वहीं बिजली विभाग के एसी रणबीर सिंह द्वारा ग्रामीणों को बिजली मुहैया करवाने का आश्वासन भी दिया गया। राकेश नाम है, बिजली की समस्या है। सभी जमींदार भाई हैं जो इकट्ठे होकर अड़ाए हैं, परेशानी के कारण अड़ाए पहुंचे हैं। लाइट नहीं आ रही एक महीने से। 8 घंटे ट्यूबलों की लाइट आती है, 3 घंटे भी लाइट नहीं आ रही। जमींदार आधा किला कैसे बोस का है, बिजाई कैसे कर सके, भाड़ा ट्रैक्टर भी को नहीं आवा। बुरी समस्या हो रही है लाइट की भाई, इतने परेशान हो रहे हैं। ना सिंगल फेस आ रही, ना थ्री फेस आ रही। खेतों में डाणियाँ भी हैं, घर भी हैं, बालक बच्चे भी हैं, पशु भी हैं। गर्मी में पानी में ना कौन रह सके है, आधा पद्धा घंटा तो फोन से चला सके हैं। लाइट की तगड़ी समस्या, ऐसी हिसाब से रिक्वेस्ट कर लिया रहा। 1 घंटा हो लिया थ्री फेस हमारे को लाइट दे दो, नुगा तुम्हारे को 3-4 घंटे लाइट में लगी, पावर कट ओके में लगी। वो परेशानी ये है जी, गांव दिनोद से आ रहे हैं सभी, काके ताऊ भाई आ रहे हैं, सभी डाणी में से आ रहे हैं, 1-2 गाँव के और भी आ रहे हैं। ठीक है, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, ये कह रहे हैं भले हम लाइट दे रहे हैं, सुबह 4-5 बजे 7 बजे दे रहे हैं, 8 बजे दे रहे हैं, 9 बजे दे रहे हैं, कागजों में सारे चढ़ा रखी ने। और ये कह रहे हैं भले हम पूरी लाइट दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ हमारे बात सुन ले, गांव में उसमें खेतों में भी मतलब परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल ही परेशान हो रहे हैं। ठीक है, डांगर तसाई मर रहे हैं और ये कह रहे हैं भले हम तो पावर कट देंगे और 3-4 घंटे लाइट देंगे। 3-4 घंटे लाइट में तो एक पड़वा पानी का भी नहीं आएगा, जमींदार कैसे क्या करेंगे। अब कृषि का मतलब समय चल रहा है, कृषि का समय में जमींदार का यही टाइम होता है, इस टाइम लाइट नहीं देंगे तो फिर कब लाइट देंगे। बिल्कुल परेशान हो रहे हैं जमींदार, कोई जमींदार गोली खा के मर गया तो इन अफसरों का क्या बिगड़ेगा। ठीक है, कोई अफसरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, ये तो अपने कुर्सी पर बैठे हैं, आराम से ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, फोन करते हैं जमींदार तो ये परेशान करते हैं, भले गाली देते हैं जमींदार, ये देते हैं वो देते हैं जमींदारों को, ये वैसे वापसी उल्टी धमकी दे रहे हैं ये बिजली वाले अफसर। सर, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, कैरू माइनर 4 गांव को लाइट देती है और करीबन 1 महीना से तो बर्बादी हो ही रही है, लेकिन अभी 4-5 दिन से तो मतलब 1 घंटा 9 से 10 लाइट देते हैं ये लोग। फिर हम सब जमींदारों ने इकट्ठे होकर के भाई फैसला किया कि साहब के पास चलते हैं, और साहब के पास आए तो ये साहब हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि किसी को बोल रहे हैं कि तू उल्टा क्यों बोल रहा है, तू उल्टा क्यों बोल रहा है, हाथ को नीचे कर, मतलब आरोप लगा करके हमारे को दबाना चाह रहे हैं ये लोग और बिजली नहीं देना चाह रहे। और बोल रहे हैं कि देंगे तो हम 4-4 घंटे 2 शिफ्ट में देंगे, और 4-4 घंटे में देंगे तो 2-2 किलोमीटर पानी जाएगा तो कैसे जाएगा। बिजली देंगे तो उसमें भी क्या है कि जो गांव की बिजली कटेगी 2-4 घंटे वो काट के फिर उनको एपी की बिजली देंगे। अब रही निगम की जो पॉलिसीज हैं, अब जो पॉलिसी हमारी निगम की चल रही है, एक तो डिजिटल पेमेंट्स मोड के ऊपर चली हुई है। जो लोग डिजिटल के थ्रू पेमेंट के थ्रू पेमेंट करेंगे उनका हमने इंसेंटिव किया हुआ है, 2,000 रुपये अगर वो कुछ 4 या 5 पेमेंट डिजिटल मोड से करता है। उसके अलावा वो पेमेंट हम कैसे देंगे, वो एक गांव के सामूहिक उस पर बैठ के ड्रा निकालेंगे, 4-5 आदमी का नाम लिख के एक आदमी का उसमें इंसेंटिव देंगे 2,000 रुपये। इसके अलावा अगर पूरा कोई गांव है 90% तक डिजिटल पेमेंट मोड से पेमेंट करता है तो 2,00,000 रुपये तक का निगम उनको इंसेंटिव देगा डेवलपमेंट वर्ष के लिए। ये तो निगम की पॉलिसी थी। दूसरा, अब जो निगम के ट्यूबवेल कनेक्शन हम अब करे जा रहे हैं, 2072 का हमारा वर्क ऑर्डर हो रखा है, 2 कॉन्ट्रैक्टर हमारे काम कर रहे हैं, एब्सोल्यूट
सॉल्यूशन गुड़गांव है और गर्ग इलेक्ट्रिकल भिवानी है, तो दोनों काम कर रहे हुए हैं। थोड़ा सा एब्सोल्यूट सॉल्यूशन की प्रोग्रेस पुअर है, उसको भी हम बूस्टअप कर रहे हैं। जून तक का हमने टारगेट ले रखा है, जून तक हम सारे ट्यूबवेल कनेक्शन कर देंगे। और गर्मी में अभी हमने शहर के अंदर भी गर्मी में कोई किसी का ट्रांसफॉर्मर कोई ओवरलोड है या कोई लाइन बड़ी है या कुछ कनेक्टर डॉक्यूमेंट है, वो भी हम साथ साथ काम कर रहे हैं। अभी भी हमने शहर के अंदर कम से कम 20 से 25 ट्रांसफॉर्मर ऑगमेंट किए हैं और 10-12 हमने एडिशनल लगाए हैं। 10-12 ट्रांसफॉर्मर और एडिशनल लग जाएंगे ताकि आने वाली गर्मियों में बिजली की इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत तो सिर्फ पावर कट्स की है, वो बिजली की शॉर्टेज है। ऐसा है, देखो हमने अपनी भिवानी और दादरी दो हमारे कंट्रोल रूम हैं, दोनों कंट्रोल रूम के अंदर हमने रात को एक एक गैस डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ताकि किसी की कोई कंप्लेंट्स हो, कोई फ्यूज उड़ रहा है और कुछ है या कोई तार टूट रहा है तो तुरंत उसका समाधान कराए। राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की करीबन 1249 छात्राओं को टैबलेट वितरित किए जाने वाले कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। ये जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आगामी 5 मई को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं साथ ही मॉडल संस्कृति स्कूल में 6ठी कक्षा के दाखिले के लिए टेस्ट भी उसी दिन लिया जाएगा। गौरतलब है कि जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 मई को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सीएम द्वारा रोहतक में यह कार्यक्रम किया जाएगा तथा इसी कड़ी में भिवानी में जिला उपायुक्त द्वारा लगभग 1249 छात्राओं को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय में हरियाणा सरकार द्वारा अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यम रखे गए हैं। वहीं इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि नवोदय विद्यालय बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई उपलब्ध करवाता है, जिसमें 6ठी कक्षा के लिए 5 मई को टेस्ट होना निर्धारित किया गया है। हाँ, 5 मई को हर जिले के अंदर प्रोग्राम हो रहा है और जिसमें टैबलेट बांटे जाएंगे 10वीं और 12वीं के छात्राओं को। सीएम साहब रोहतक में टैबलेट बांटने का कार्यक्रम करेंगे और यहाँ भिवानी में हम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को 10वीं और 12वीं की जो छात्राएं हैं उनको टैबलेट हमारे वर्दी डीसी साहब के हाथों से बटवाएंगे। लगभग 1249 छात्राएं जो है लाभान्वित होंगी इससे, जो 10वीं और 12वीं की छात्राएं हैं गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, उनको टैबलेट बांटे जाएंगे। मॉडल संस्कृति जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें पहले जो एडमिशन पहली कक्षा में होने थे वो इंग्लिश मीडियम में ही थे। अब विभाग ने और हरियाणा सरकार ने पहली क्लास में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही ऑप्शन रख दिए हैं। जो भी छात्र छात्रा हिंदी मीडियम में एडमिशन लेना चाहते हैं हिंदी मीडियम में ले सकता है और इंग्लिश मीडियम में लेना चाहे इंग्लिश मीडियम में ले सकता है। स्थानीय तेलीवाड़ा स्थित सिद्धों की मड़ी में श्री गरुड़ महापुराण कथा सप्ताह से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कथा सप्ताह के चौथे दिन वृंदावन धाम से पधारे डॉक्टर स्वामी उमानंद ने जीवन से पारमार्थिक लाभ हासिल करने का सुंदर वर्णन किया और जीवन को संतुलित बनाने के लिए सत्संग को श्रेष्ठ माध्यम बताया। गौरतलब है कि स्थानीय तेलीवाड़ा स्थित सिद्धों की मड्डी में जय शिव सेवा समिति के तत्वाधान में श्री गरुड़ महापुराण कथा सप्ताह के चतुर्दिवस पर वृंदावन धाम से पधारे डॉक्टर स्वामी उमानंद ने श्री गरुड़ महापुराण कथा का वर्णन करते हुए कहा कि जो अपने जीवन से विशेष लाभ लेना चाहता है वह चालाक है, परंतु जो अपने जीवन से पारमार्थिक लाभ लेना चाहता है वह चतुर है। इसलिए चतुर बनो, चालाक नहीं। आने वाले कल की चिंता करने से अच्छा है कि आज वाले दिन को मेहनत करके बेहतर बना लिया जाए तथा यदि रिश्तों को बेहतर और मधुर बनाना है तो दो चीजों से दूर रहिए, अधिकार की भावना और शिकायतें। सबसे ज्यादा दुखी वह व्यक्ति है जो अपने मन में खुद के विचार बिना विचारे बना लेता है। भगवान विष्णु गरुड़ को कहते हैं कि विषम परिस्थितियों में भी जीवन को संतुलित बनाने की कला सत्संग सिखाता है। वह अपने ध्येय के प्रति समर्पित होकर लक्ष्य प्राप्ति करना ध्रुव चरित्र से और विश्वास ऐसा मंत्र है जो सत्य को प्रकट करता है यह प्रहलाद चरित्र से सीखना चाहिए। इस कार्यक्रम में समिति के नंद किशोर आर्य, देवराज मेहता आदि अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे शास्त्र अमृत से भरे हुए हैं, इन्हीं पुराणों में श्री गरुड़ पुराण जी का एक अलग महत्व है। आज तक इस पुराण के बारे में गलत भ्रम और डर फैलाया गया लोगों को, कैसे हुआ नहीं कह सकते। एक लाइन जोड़ दी गई इसके अंदर कि इसको मरने के बाद पढ़ना चाहिए, वैसे सोचने की बात है। जो पुराण
मरने के बाद, आत्मा के जाने के बाद उसको मोक्ष दिला सकता है, क्या वो जीते जी नहीं मोक्ष दिलाएगा? तो ये तर्क की बात थी। अंग्रेजों का राज रहा, मुसलमानों का रहा, हमारे शास्त्रों से बहुत छेड़छाड़ की गई। उसी कड़ी में मैं सोचता हूँ इस पुराण के साथ भी छेड़छाड़ हुई, जबकि ये शास्त्र जीते जी पढ़ने का है, इसको जीते जी ही पढ़ना चाहिए। हमारे सेक्रेटरी गिरीश गोस्वामी जी और हमारे सभी मेंबर जय श्री सरस्वती ने फैसला किया कि हम इसका जब करवाएं एक सप्ताह का। अंजलि गोस्वामी, मैं आज यहाँ बड़ी देड़ीवाड़ा में श्री गरुड़ पुराण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मेन जो लक्ष्य है कि गरुड़ पुराण, जो कि एक धारणा है लोगों की कि इसे मरने के उपरांत सुनाया जाता है, तो यह ग्रंथ जिसमें जीवन जीने की और भी विज्ञान इसका सुनने का अपना ही एक महत्व है, क्योंकि गरुड़ पुराण में औषधि को लेकर और भी क्या कहते हैं आपके लाइफस्टाइल कैसा हो और भी ऐसी गूढ़ बातें हैं जिनका हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गरुड़ पुराण ऐसी ही कथा है जिसके अंदर हमें पढ़ने के पर ही पता लगेगा कि गरुड़ पुराण के इतिहास के अंदर इंसान को जड़ी बूटियों से संबंधित मंत्रों का उच्चारण यह सब उसके अंदर बहुत ही अच्छे रूप से व्याख्या के रूप में। गिरीश गोस्वामी, आचार्य गिरीश गोस्वामी, आज हमारे यहाँ गरुड़ पुराण की कथा का पाठ पढ़वाया गया स्वामी उमानंद जी के माध्यम से, गरुड़ पुराण का पाठ किया जा रहा है। इस कथा को कराने वाले मुख्य सूत्रधार जो हैं श्री देवराज जी मेहता और जय शिव सेवा समिति के अन्य सदस्यगण, जिन्होंने इस कथा को रखवाया, इन्होंने इस शहर का कल्याण किया है। इस कथा के माध्यम से इस शहर का कल्याण हो रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में TIT कॉलेज में दास्ताने रहनात नाटक का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रहनात वासियों के बलिदान का सजीव चित्रण किया और देशवासियों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्म और बर्बरता भी दिखाई। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में बुधवार शाम को स्थानीय TIT कॉलेज के सभागार में दास्तान ए रहनात नाटक मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने देश की आज़ादी के चलाए गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गांव रहनात वासियों के बलिदान का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया। इसके साथ ही कलाकारों ने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा देशवासियों पर किए गए जुल्म व बर्बरता भी दिखाई। भिवानी के ही नाटक के दौरान कलाकारों की प्रस्तुति पर दर्शकों ने कई बार भारत माता के जयकारे लगाए। विधायक घनश्याम दास मुख्य अतिथि के रूप शामिल हुए और उपायुक्त RS ढिल्लो ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शाया कि भारत को आजादी खैरात में नहीं मिली, देश की आजादी के लिए लाखों बच्चे अनाथ हुए, हजारों माताओं की गोदियां सूनी हुई और हजारों सुहागिनों की मांग का सिंदूर पूछा गया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ गांव रहनात वासियों की कुर्बानी को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। कलाकारों ने दिखाया कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और देश को अधीन कर गुलाम बना लिया। वहीं विधायक घनश्याम दास सराफ ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल 23 मार्च 2018 को स्वयं रहनात आए थे और वहां तिरंगा फहराया था। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है तथा इस नाटक मंचन से युवाओं को राष्ट्र प्रेम की शिक्षा मिलती है। उन्होंने कहा कि हमें अपने शहीदों को कभी नहीं भूलना चाहिए। गांव रहनात का जर्जर कुआं व पीपल का पेड़ आज भी वहां पर मौजूद है जहां पर अंग्रेजों ने जुल्म ढहाए थे। गोवंश था बड़ा कसाई और उस टाइम 8100 रुपया में पूरे गांव की कुर्की कराई। दुष्ट फिरंगी की आंखें ने जमीन रहनात की देखी। तहसीलदार हसी ने डीसी हिसार को चिट्ठी लिखी। 13 नवंबर 1857 को आया ये फरमान, 20 जुलाई 1858 तक कड़ा रहनात मिला। सोच नहीं सका था कोई होया ऐसा काम। 20,650 मिले, सिर्फ 8100 में मिला। सन 1858 में अंग्रेज आने आए, सारे गांव की कुर्की करके लाशों के ढेर लगाए, कुछ तोप बांध दिए, कुछ फांसी पर लटकाए थी। चीख पुकार जुगर को हो रही थी खाए खाए, हंसी की सड़क करी लाल, न अंग्रेजा न घाट। जय हो जय हो जय जय हो तेरी रोगना। खून खराब भारी बर्बाद कर दिया काम, मिटा सके ना जालिम, फिर भी
रघुनाथ का नाम। जाने कितनी सड़के लाल, जाने कितनी सड़के लाल, जाने कितनी सड़के लाल। सुनाने के लिए एक नाटक का मंचन किया गया है जो अति श्रेष्ठ रहा, और जो कलाकारों ने इसमें भाग लिया वे कलाकार भी अद्वितीय हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से ये नाटक का मंचन किया है उसके लिए हम इन कलाकारों को एक उनकी जो वहाँ पे सैनिक शहीद हुए, जो ग्रामीण शहीद हुए, उनके लिए जो प्रयास किए गए हैं वे बड़े उत्तम थे, और आज समाज के सामने जिस प्रकार से चित्रण हमारी इस टीम का हो रहा है, हम ये मानते हैं कि इस टीम के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा हो। आज युवाओं के सामने जब हम अपनी बात रखेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव का साल चल रहा है और इसमें हम अपनी बात रखें तो युवाओं के दिलों को बहुत छूने वाला ये कार्यक्रम रहेगा। हमारे व्यक्ति थे पूरे ग्रामीण क्षेत्र के भी, शहरी क्षेत्र के भी, जिन्होंने इसके बारे में काम किया वे सब हम स्मृति के पात्र हैं, उनकी स्मृति को लेकर आज हम आपके बीच में। देखिए, हमारे गांव ने जो 18वीं क्रांति में योगदान दिया था उसका योगदान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका पता किसी किसी को था, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो ये नाटक मंचन के माध्यम से हरियाणा के सभी जिलों में ये घोषणा की कि ये नाटक मंचन सारे हरियाणा में बताया जाएगा, तो उनकी शहादत को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि सारा हरियाणा इस चीज़ को देख के उन्हें पता चला कि गुरुनाथ गांव भी कोई गांव है और उसने अपने देश की आज़ादी के लिए शहीदी दी है अपने लोगों की, और जो भी सारा किया है वो सभी को पता चले यही। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।